नमस्कार मित्रों, मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में जो हमारे घर की शोभा है। इसका रख रखाव बहुत ही आसान है, जिसको कि बिगनर्स भी बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर जो बिगनर्स हैं तो इस प्लांट को बड़े आराम से इसकी केयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट हमारे सामने है जिसका नाम है सिंगोनियम, और ये कुछ कुछ क्या काफ़ी कुछ मनी प्लांट से मिलता हुआ है, लेकिन जैसा कि नाम है सिंग, तो दो इसकी सींग निकली हुई है। ये देखिए, नाम के अनुरूप सिंगोनियम इसीलिए शायद इसको कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसकी रख रखाव, इसको हम कैसे देखभाल इसकी कर सकते हैं, इसको कैसे अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम पॉट साइज़ की बात करें तो इसको छोटे से छोटे पॉट में हम लगा सकते हैं, और 10-12 उससे लेकर 10-12 इंच के गमले में आसानी से लगा सकते हैं। सब में खूब आसानी से चलता है। ये बहुत इजी टू ग्रोथ प्लांट है, बिल्कुल रफ एंड टफ। और अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो जब हम इसकी मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी बनाएं तो उसमें 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 सैंड और 1/3 कंपोस्ट इसमें ऐड कर लें। और मिट्टी जो इसकी वेल ड्रेंड होनी चाहिए ताकि पानी इसमें आसानी से निकल जाए। तो फ्रेंड, बात हो गई मिट्टी की, पॉट की, और अब बात करते हैं कि इसको सनलाइट कैसे चाहिए। तो फ्रेंड, वैसे तो ये इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लांट है, आप इसको घर में भी उगा सकते हैं और बाहर भी उगा सकते हैं, लेकिन बहुत तेज़ धूप इसको पसंद नहीं है। तो आप इसको जहाँ पर भी रखें, सेमी शेड में रखें, या ऐसी जगह रखें जहाँ लाइट तो आए लेकिन धूप ना आए, ऐसी जगह पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और इसके लीव्स जो है बहुत अच्छा वेरिएशन, इसमें बहुत अच्छा कलर इसमें आता है। और अगर आप इसको, आप इसको अपने इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन बस ये है कि इसकी लीव्स अच्छी बनी रहें, उनमें वेरिएशन रहे, इसलिए आप उसको उठाकर 10 दिन में बाहर रख दीजिए, थोड़ा रोशनी जहाँ पर आए, और शाम को रखिए और अगले दिन पूरे दिन इसको रहने दीजिए बाहर रोशनी में, और फिर उठाकर इसको अंदर रख लीजिए। तो इस तरह से ये इंडोर और आउटडोर दोनों तरह का प्लांट है। आप जैसे चाहे, जहाँ चाहे इसको, खिड़की के पास, बालकनी में, सीढ़ी में, अपने लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में, लॉबी में, कहीं पर भी आराम से इसको आप रख सकते हैं, बस डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसमें फर्टिलाइज़र कैसे और कब कब देना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये, और इसको आपने एक बार जब इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार कर ली, इसमें आपने कंपोस्ट डाल दिया, तो जैसे और प्लांट्स में हम करते हैं, इसको हर 15 दिन में, महीने में खाद देने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इसको साल में 2 बार, 3 बार, थोड़ा सा 1-2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप इसमें डाल दें, और ये प्लांट बड़े आराम से खुश होकर चलता है। चलता क्या, दौड़ता है। गर्मी आ गई हैं और अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। जाड़ों में थोड़ी ग्रोथ इसकी कम हो जाती है, लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो फ्रेंड, बात करते हैं पानी की। तो ये प्लांट ऐसा है जिसको आप पानी कई बार नहीं देंगे, अलाइव तो रहेगा, लेकिन देखिए इसकी ये पत्तियाँ इसे किनारे से सूखने लग जाएंगे। ये प्लांट मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ये प्लांट सामान के बीच में दब गया था, तो पानी इसको कई दिन नहीं मिला, तब से ऐसे ही हो गया, पत्तियां हटाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। तो इसको, इसकी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, ओवर वाटरिंग तो नहीं चाहिए, लेकिन मिट्टी में हमेशा नमी रहनी चाहिए। और साथ साथ जब आप इसको, गर्मियाँ हैं और जब आप इसको पानी देते हैं, तो इसके पत्ते की अच्छे से धुलाई भी कर दीजिए, ताकि इसमें जो धूल मिट्टी गर्मी में खूब जम जाती है वो हट जाए, और प्लांट खूब अच्छे से सांस ले सके, खूब अच्छे से ग्रो हो सके। फ्रेंड्स, इसकी सिंगोनियम की बहुत सारी
वैरायटी आती हैं, छोटी भी आती है जिसको आप छोटे पॉट में रख सकते हैं, और वो एकदम बुशी सा हो जाता है, घना हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। लेकिन जब इसको आप अंधेरे में रखते हैं, अंदर कमरे में रखते हैं, तो कई बार इसकी एक स्टेम बीच से निकल आती है और फिर उसको हमें सहारा देने की आवश्यकता होती है। आप चाहे तो उसको काट भी सकते हैं और अपने प्लांट को बुशी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें लगने वाले इन्फेक्शन की। तो ऐसा इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है, पत्तियाँ धुली रहेंगी, साफ़ सुथरी रहेंगी, तो कोई इन्फेक्शन की इसमें बात नहीं है। तो ज़्यादा रख रखाव इसकी नहीं करनी पड़ती है। और इसमें एरियल रूट्स निकलती हैं मनी प्लांट की तरह से। तो अगर आप इसको, आपका प्लांट बड़ा है, तो मॉस स्टिक में लगा देंगे तो वो उस वहाँ से अपना मॉइस्चर लेते रहेंगे और बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सिंगोनियम के आप भी देखभाल करिए, केयर करिए, अपने घर की शोभा बढ़ाइए। बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट, घर में आप अपने कहीं पर भी लगा लीजिए, छत पर, बालकनी में, ये ग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत दिखता है और आपके घर की शोभा बढ़ाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।